नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रूपा बुद्धि राजा और मैं हूँ टैरो कार्ड रीडर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, साथ ही साथ मैं हूँ आपकी स्पिरिचुअल गाइड भी, और मैं हूँ रत्न विशेषज्ञ भी। यदि आपको किसी भी तरीके का कोई रत्न चाहिए या आप उसकी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मुझे इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। आप मुझे पर्सनल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, अपनी कुंडली भी दिखवा सकते हैं, मुझे टैरो रीडिंग भी करा सकते हैं। इन नंबरों पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बात करते हैं लहसुन की। हम वैसे तो अपने किचन के मैजिक की बहुत बातें करते हैं, बहुत तरीके के मैं आपको उपाय बताती हूँ अपने किचन से जुड़े हुए। मैं आपको बहुत सारे अदरक से जुड़े हुए, हल्दी से, नमक से, इन सब चीज़ों के बारे में बता चुकी हूँ। आज मैं आपको बता रही हूँ लहसुन का उपाय। लहसुन बहुत ही चमत्कारी होती है। ये लहसुन आपको पता है बहुत सारी बीमारियाँ भी ठीक कर देती है। ये लहसुन से हम बच्चों की बीमारी भी रोक सकते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चों को एक रोग हो जाता है, बहुत ऐसे देखने में आए हैं केसेस, या बहुत लोगों की मैं ऐसे कमेंट्स भी पढ़ती हूँ। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि ये ऐसे इलाज क्या कर सकते हैं, हम कुछ घरेलू उपाय क्या करें। जैसे किसी को पीलिया हो जाता है तो उसके लिए झाड़ा कराया जाता है। इस तरीके के काम में आती है लहसुन, पीलिए के झाड़े के नहीं, वैसे झाड़े के काम आती है लहसुन। यदि किसी को सूखा रोग हो जाता है, आपने देखा होगा बच्चों में ये अक्सर होता है, बच्चे की सेहत निरंतर गिरती रहती है, बच्चा एकदम ऐसे हो जाता है कि स्केल्टन जैसा, उसकी हड्डियां चमकने लग जाती हैं, उसे सूखा रोग कहा जाता है। यदि बच्चों में सूखा रोग हो जाए तो लहसुन से झाड़ा कैसे किया जाता है? 7 लहसुन की गांठें, साबुत लहसुन की गांठें ले लीजिए आप, और उसको एक काले धागे में पिरो लिया जाता है सुई की मदद से। 7 गांठें उस बच्चे के गले में डाल दिया जाता है। तो वो गांठें जब तक सूखती नहीं हैं, चाहे 40 दिन में, चाहे 1 महीने में, चाहे 1.25 महीने में, चाहे 1.5 महीने में, जब तक वो जो गांठें आपने डाली हैं जो लहसुन की, वो सूखती नहीं है, तब तक उसके गले से वो नहीं उतारते। और जब जब वो सूखेंगी, धीरे धीरे आपका बच्चा ठीक होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे लहसुन का रंग बदलता जाएगा, आपका बच्चा ठीक होता जाएगा। ऐसे ही आपने देखा होगा, यदि हमारे आँख के ऊपर एक छोटी सी ऐसे दाना सा हो जाता है हमारी आँख के ऊपर, जिसे हम कहते हैं हमारी आँख आ गई, और हमारी आँख नहीं खुलती, हम मेडिसिन भी खाते हैं, बहुत सारे उपाय भी करते हैं, आप वो कीजिए जो आप कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ यदि आप एक उपाय, यानी कि चमत्कारी उपाय लहसुन का कर लेते हैं, तो आप देखेंगे तुरंत ही आपको फ़र्क होगा। बच्चों में भी अक्सर होता है कि उनकी आँख का ना खुलना, आँख में बहुत दर्द होना, और आँख पर एक दाना सा हो जाना, जिन पर हम हनुमान जी का एक छोटा सा तिलक भी लगा लिया करते हैं। यदि हम 7 गांठें लहसुन के लेते हैं और एक एक गांठ को अपनी आंख पे लगा के रखते हैं, एक एक गांठ को अपनी आंख पे लगाइए, ये झाड़ा होता है लहसुन से अपनी आंख का, आंख को झाड़ा जाता है इसके द्वारा। तो 7 आंख, 7 लहसुन एक एक करके अपनी आंख से उतारते जाइए, और उस लहसुन को धूप में या किसी ऐसी जगह पर सूखने के लिए आप रख दीजिए, या एक ऐसे स्थान पर रख दीजिए जिसका हाथ ना लगे और धूप आती हो, चाहे वो घर के बाहर हो। आप देखेंगे कि जैसे जैसे वो लहसुन सूखेगी, आपकी आँख ठीक हो जाएगी। आँख में जो रेडिशपन आ रहा था ना आपके, वो एक मिनट में ठीक होता हुआ आपको दिखेगा। आप खुद कहेंगे 2 से 3 दिन में कि हमने तो कोई दवाई नहीं खाई, हमने तो कोई इलाज नहीं किया, और हमारी आँखें ठीक हो गई। इतनी चमत्कारी है ये लहसुन। बच्चों की मेमोरी से, कई बच्चे ऐसा बोलते हैं कि हमारी याददाश्त बहुत कमज़ोर है, बच्चे याद करते हैं और भूल जाते हैं, हमें याद नहीं होता। ऐसी माएँ बहुत परेशान रहती हैं बच्चों को लेकर, स्टडीज़ को, कि हमारे बच्चे को याद नहीं होता। बहुत सारी ऐसी माओं के क्वेश्चंस भी आते हैं कि हमारे बच्चों को याद नहीं रहता, पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन भूल जाते हैं। उसके लिए आप क्या करें, यदि खाली पेट बच्चे को एक लहसुन आप खिलाते हैं तो बच्चे की स्मरण शक्ति, यानी कि उसकी याददाश्त अच्छी हो जाती है, और धीरे धीरे आप देखेंगे वो जो पढ़ता है उसको वो चीज़ याद रहने लगी है। ये नियमित करने से होगा, इंस्टेंट करने से नहीं होगा कि आपने 2 दिन खा ली तो आप बोलेंगे अरे ये तो मुझे याद नहीं हुआ। नहीं, आपको लगभग 1 महीना 2 महीना 3 महीना लगातार आप खाइए, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी जो याददाश्त की शक्ति है, जो बच्चों की याददाश्त की शक्ति है, वो बढ़ने लगेगी। एक लहसुन सुबह खाने से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहता है। आपको पता है बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं कि सिर्फ हम एक लहसुन खाने से ही ठीक हो जाते हैं।
यदि किसी को इंटरनल कोई दाना निकल जाता है, जिसे कहते हैं ना कई बार किसी के गले में कोई दाना हो गया, कोई गिल्टी हो गई, या किसी के इंटरनल ही कोई कहते हैं हमें आँख के अंदर, कान के अंदर ऐसे दिखाई दे रहा जो बाहर से नहीं दिखाई देता, इंटरनल दाना होता है, तो लहसुन की कली लेनी है। उसके जो बीच में, सबसे बीच में जो एक कली होती है, जो आप देखेंगे ना ऐसे करके गोल लहसुन होता है, ऐसे राउंड सा सर्कल होता है, उसके बीच में जो एक सिंगल सबसे बीच वाला जो उसकी लहसुन होती है वो निकाल कर डेली सुबह खाना है। जो इंटरनल, जो भी अंदर आपके जो दिख नहीं रहा दाना या किसी भी तरीके की कोई गिल्टी अगर है तो वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। लहसुन इतनी चमत्कारी चीज़ है, बहुत चमत्कारी चीज़ है। तो ये वाला उपाय आप कर सकते हैं यदि आपको इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है। लहसुन को यदि हम खुला रख देते हैं तो उसकी गंध से कीड़े पतंगे भी हमारे घर नहीं आते। यदि थोड़ा सा आप लहसुन लीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए आधा कप, चार पांच छील कर लहसुन ले लीजिए और कटोरी में उसको खुला रख दीजिए, तो कीड़ जो भी नेगेटिव बदबू या जिसे हम कहते हैं ना कीड़े छोटे छोटे से जैसे उड़ने वाले या वो आ जाते हैं, उसे आप खुले में भी रखेंगे तो वो चीज़ दूर हो जाएगी। तो कीजिए उपाय लहसुन के और जानिए इसके चमत्कारी गुण। तो स्वस्थ रहिए आप लोग, मस्त रहिए और देखते रहिए मेरा ये चैनल। धन्यवाद।